तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आपके द्वारा हमें पिछली वीडियो पर जो प्यार मिला, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूँ जिसे जान के आप पागल हो जाएंगे। तो दोस्तों, एक 23 साल की लड़की ने अपने मरे हुए पिता के मोबाइल पर हर रोज अपने दिल की बात और जीवन में होने वाले रोजाना की घटनाएं बताती रही। फिर 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि उसके पिता का जवाब आया। 23 साल की चेस्टिटी पैटरसन ने अपने पिता को 4 साल पहले खो दिया था, लेकिन वह दुख से उभर नहीं सकी थी। वह अपने पिता को रोज अपने मन की बात और रोज होने वाली जीवन की गतिविधियों को मोबाइल पर मैसेज के द्वारा भेजती रही। ऐसा करके वह अपने पिता को अपने करीब समझती रही। और पिता की 4th डेथ एनिवर्सरी पर चेस्टिटी ने अपने पिता को नंबर पर एक बहुत बड़ा इमोशनल सा मैसेज लिख दिया। चेस्टिटी ने अपने मैसेज में लिखा था, कल का दिन फिर से काफ़ी मुश्किल होगा। आपको खोए हुए आज 4 साल हो गए और एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने आपको मिस ना किया हो। इस छोटे से वक्त में काफ़ी कुछ हो गया है। मुझे पता है आप वह सब जानते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा से ही आपको बतलाया है। मैंने कैंसर को मात दी है। मैं तब से बीमार नहीं पड़े क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपना ठीक से ख्याल रखूंगी। मेरा कॉलेज खत्म हो गया है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और मुझे प्यार भी हुआ और प्यार में दिल भी टूटा, लेकिन मैं फिर से और भी मजबूत बनकर खड़ी हुई। मेरे सारे दोस्त छूट गए, लेकिन एक और है जो मेरे जीवन में आया और उसने मुझे संभाला हुआ है। अभी तक मेरे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन होंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं इसके लिए तैयार भी हूँ। मैं अब भी माँ के साथ खूब मस्ती करती हूँ, उनका ख्याल रखती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं तब आपके पास नहीं थी जब आपको सबसे ज़्यादा मेरी ज़रूरत थी। मुझे शादी से डर लगता है क्योंकि तब शादी की जगह तक का रास्ता मुझे अकेले चलना होगा। आप यह बताने के लिए नहीं होंगे कि सब अच्छा होगा, मैं मजे में हूँ और आपको मुझ पर गर्व होगा। ना ही मेरा बातें करना और मेरा एटीट्यूड जरा भी नहीं बदला है। मेरा वजन भी नहीं बढ़ा है। मैं आपको बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। इस बार पिता से रहा नहीं गया और 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि पिता के नंबर से जवाब आ गया, और जवाब भी ऐसा कि जिसने भी उससे पढ़ा उसकी आंखें भर आईं। जवाब में लिखा था, प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, लेकिन पिछले 4 सालों से मुझे तुम्हारे सारे मैसेज मिल रहे हैं। मैं तुम्हारे सुबह के मैसेज और रात के मैसेज दोनों पढ़ता हूँ। मेरा नाम ब्रेड है और मैंने 2014 में अपनी बेटी को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था। तुम्हारे संदेशों ने मुझे अब तक जिंदा रखा हुआ है। जब तुम मुझे मैसेज भेजते हो तो मुझे लगता है कि यह मैसेज मुझे ऊपर वाले ने भेजा है। मुझे अफसोस है कि तुमने अपने बेहद करीबी शख्स को खोया है, लेकिन मैं इतने सालों से तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हें बड़ा होता देख रहा हूँ। मैं सालों से तुम्हारे संदेशों को जवाब देना चाहता था, लेकिन तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता था। तुम एक असाधारण महिला हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी भी तुम्हारी ही तरह होती। रोजाना के अपडेट देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मुझे याद दिलाया कि ईश्वर है और इसमें उसका कोई दोष नहीं कि मेरी बेटी आज मेरे साथ नहीं है। उसने मुझे बेटी के रूप में तुम्हें दे दिया। नन्ही परी, सब कुछ अच्छा होगा। तुम भी रोज विश्वास से भरी रहो और ईश्वर ने जो रोशनी तुम्हें दी है उससे चमकती रहो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा, लेकिन इससे अगर थोड़ा सा ही बेहतर होता तो मुझे तुम पर गर्व होगा। अपना ध्यान रखना और मैं तुम्हारे कल के अपडेट का इंतजार करूंगा। इस तरह 4 साल बाद ही सही उसे एक नए पिता मिल गए और इन संदेशों ने उसके जीवन में खुशियां भर दी। एक पिता को बेटी मिल गई और एक बेटी को अपना पिता। कभी कभी इस तरह की सच्ची घटनाएं हमें याद दिला देती हैं कि भगवान हमारे आसपास ही है और हमारे लिए अच्छा ही सोच रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये फैक्ट पहले से पता था तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अगले फैक्ट फ्रीज की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।